गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर के लिए केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। और आज हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। और हमारे इस चैप्टर के आज का टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? हमने न्यूक्लियोटाइड बनाए थे और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? एक तो उसके अंदर राइबोज शर्करा होती है, चाहे राइबोज लो या डीऑक्सी राइबोज लो। दूसरा, उसके अंदर नाइट्रोजनीय क्षारक भी होते हैं, और तीसरा, उसके अंदर H3PO4 फास्फोरिक या फास्फेट समूह भी होता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। हमने बनाया था इस तरीके से, ये एक राइबोज शर्करा थी OH और H, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया था, नाइट्रोजनीय क्षारक, न्यूक्लियोसाइड बनाए थे तब जोड़ा था ये H और OH, और ये H और OH, और यहाँ पे H, और यहाँ CH2OH था, और ये POH, OH और OH और डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा है। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया था और हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया था। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया था। और जब हम इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जुड़ेंगे किससे? फास्फेट समूह से जुड़ेंगे या फास्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़ेंगे, 3 और 5 नंबर कार्बन के द्वारा जुड़ेंगे। और जब ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ जाएंगे बहुत सारे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। चलो हम जोड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास राइबोज शर्करा मानो या डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तो हम ले रहे हैं राइबोज शर्करा। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बेस, और यहाँ H, और यहाँ H और OH, और यहाँ भी H और OH, ठीक है। और इधर क्या है, CH2OH और H, ये फास्फोरिक एसिड या फास्फेट समूह यहाँ पर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये OH और H को निकालेगा और ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक और फास्फेट समूह आएगा, इस तरीके से ये और ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएंगे। नीचे जो राइबोज संरचना होगी उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, ये ऑक्सीजन, यहाँ H, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, बेस, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और वही कर रहे हैं हम। और यहाँ CH2OH होगा, ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये O और इस O इसके साथ जुड़ा रहेगा। इसका मतलब ये एक नंबर कार्बन, 2, 3, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, तो फास्फेट समूह 3 नंबर और 5 नंबर कार्बन। चलो एक और राइबोज स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे बेस, ये H, ये H और OH, ये H और OH और H और CH2O और O,
ये पी और पी के साथ वो एच को जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा इस फॉर्म में ऐसे, ठीक है। यहाँ ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फिर अगर हम एक और फास्ट एक और राइबोज स्ट्रक्चर लें तो इस तरीके से ले सकते हम, यहाँ पे बेस और यहाँ एच, ये एच रो एच, ये एच रो एच और ये एच और सी एच टू ओ एच, ये पी है जिसके साथ यहाँ ओ एच और इसके साथ पी ओ एच और इसके साथ पी ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टोटल 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया है, और 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके हमने एक पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया है। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब अनेक, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो अनेक न्यूक्लियोटाइडों का जो समूह होता है वो क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें जो फास्फेट समूह जो होता है वो ऊपर वाली शर्करा के 3 नंबर कार्बन के साथ और नीचे वाली शर्करा के 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा रहता है फास्फेट समूह, और इसीलिए जो श्रृंखला बनती है वो 3 और 5 या 3-5 की बनती है। तो इस तरीके से पॉली न्यूक्लियोटाइड कम्प्लीट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। इस संरचना को वाटसन वैक्रिक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, और वाटसन वैक्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1950 में इस संरचना को दिया था। तो डीएनए जो होता है वो द्विकुंडली संरचना के रूप में पाया जाता है, डबल हेलिक्स संरचना के रूप में पाया जाता है। उसके अंदर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो हेलिक्स फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए इस संरचना को बोला जाता है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। उस संरचना के अंदर प्यूरीन और पिरिमिडिन आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे एडिनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। कभी भी उस द्विकुंडलित संरचना में 2 प्यूरीन एक साथ और 2 पिरिमिडिन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि पिरिमिडिन का आकार छोटा है, तो दोनों पिरिमिडिन को अगर एक साथ व्यवस्थित करेंगे तो कुछ जगह खाली रह जाएगी, और अगर हम प्यूरीन को एक साथ व्यवस्थित करना चाहेंगे तो हमें ठूस ठूस के व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसलिए जो डीएनए की डबल हेलिक्स जो संरचना होती है उसके अंदर एक प्यूरीन और एक पिरिमिडिन की ही जगह होती है, तो एडिनिन गुआनिन के साथ जुड़ता है, एडिनिन थाइमिन के साथ में और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडिनिन थाइमिन के साथ तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके व्यवस्थित होता है। तो इस तरीके से डबल हेलिक्स संरचना का निर्माण होता है, और जो ये जो संरचनाएं होती हैं हेलिक्स जो संरचना बना रहे हैं ये पॉली न्यूक्लियोटाइड की एकलक इकाई होती हैं, और ये एक दूसरे की एक ही दिशा में नहीं होती बल्कि एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, और उन डबल हेलिक्स संरचनाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो तो 2 नैनोमीटर होती है, और एक गोलाकार या चूड़ियांतर का भाग जो होता है उसकी जो दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। तो ये तो जनरल सी बात हो गई, अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। इस तरीके से पाई जाती है, ये 3 भाग है तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो ये 3 होगा, जैसे गुआनिन साइटोसिन के साथ इस तरीके से
एडिनिन थाइमिन के साथ, इस तरीके से थाइमिन एडिनिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ इस तरीके से जुड़े रहते हैं, एडिनिन थाइमिन के साथ और थाइमिन एडिनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, एडिनिन थाइमिन के साथ और थाइमिन एडिनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो भाग होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है और इस चूड़ियांतर से इस चूड़ियांतर के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर होती है। ये जो एक स्ट्रक्चर होती है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को शो करती है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये 5-3-5 या 3-5 से जुड़ी रहती हैं। तो गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन एडिनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन गुआनिन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो क्या है, एक तो हमारे पास में प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये जो श्रृंखलाएँ होती हैं वो एक ही दिशा में ना होकर एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं और इस संरचना को डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कहा जाता है। इसके साथ ही इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें की, अमीनो एसिड पढ़े, पेप्टाइड्स के बारे में चर्चा की, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड को भी संश्लेषित किया। इसके साथ हमने प्रोटीन से संबंधित बात की, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की हमने, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के अंदर जिसका समापन होता है और पार्ट नंबर 17 तक हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।